औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माया कहानी की टीम और आज की एपिसोड के साथ न्यूज़ वन पर आपको करते हैं खुश आमदीद। मौसम हम देख रहे हैं कराची का भी और पूरी ही जो है मुल्क की ज़रूरत हाल कुछ ऐसी है कि मानसून का सीज़न आ चुका है, लेकिन कुछ सीज़न ऐसे होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। भाई मालूम है कि ख़िज़ा आएगी, बहार आएगी, सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, मानसून का सीज़न आएगा, मालूम होता है, लेकिन ज़िंदगी के कुछ ऐसे मौसम होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता, और वो है बेरोज़गारी का मौसम, और वो है लेड ऑफ का मौसम, और वो है रिसेशन का मौसम, और वो है फिर उसके बाद मजबूरी का मौसम, और उसके बाद वो मौसम आता है कि जाने का नाम ही नहीं लेता। एक ऐसा अंधेरा, एक ऐसे काले बादल आ जाते हैं लोगों के घरों, फैमिलीज़ और उनकी ज़िंदगियों और दिल पर, कि जो इंसान की खुद एतमाद जैसी कोई भी एक छोटी सी अगर उसकी एक उम्मीद होती है कि यार मेरे अंदर कम से कम इतना एतमाद तो है कि मैं दो रोटी कमा सकता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी घर वाले मेरे साथ जो पेठ जुड़े हुए हैं ना, उनका घर, ज़िंदगी, खुशियाँ सब मेरी इस एक नौकरी से जुड़ी हुई हैं। और फिर क्या कीजिए कि वो नौकरी ही नहीं रही, अचानक इतने लंबे लंबे अरसे में लोगों ने मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले इदारों से इतना काम किया, उसके बाद खड़े खड़े उनको खुदा हाफिज़ कह दिया। जब आपने खुदा हाफिज़ किया तो वाकई में उनका खुदा ही हाफिज़ हो जाता है, बिकॉज पता नहीं चलता कि देखते ही देखते रातों रात ज़िंदगी बदल जाती है। वो ज़िंदगी बदलने वाले आप, हम सब वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। हम नौकरी पेशा लोग जिनकी खड़े खड़े ज़िंदगी बिल्कुल 360 नहीं बल्कि 180 एक ऐसा मारती है कि हमें मालूम ही नहीं होता। बचपन से कहा गया अच्छे नंबर लाओ, अच्छी क्लास में जाओ, अच्छी पोजीशन लेकर, अच्छे नंबर लेकर आओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, और फिर अच्छे नंबर लेकर आओ, अच्छी यूनिवर्सिटी में पास होकर अच्छे नंबरों से अच्छी सी नौकरी करना, और जब बिल आखिर वो नौकरी मिल जाती है उसके बाद वो अचानक चली भी जाती है। तो जितने घर और जितने पेड़ जुड़े हुए थे उनका क्या हुआ? आज हमारी माया कहानी में जो एक कहानी नहीं है, माया कहानियां हैं, आज वो सब कहानियां आकर आज के शो में आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त के बाद माया कहानी में हमारे साथ रहेगा, विल बी राइट बैक। हमारे साथ देने का बहुत शुक्रिया। माया कहानी में अजब सी बात है कि जब लोग अपनी आंखें कोई बात करते हैं, कोई कहानी छेड़ते हैं, तो हर कहानी में एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। और हम जो आज सीखने वाले हैं, मैं कुछ ज़रा इसलिए भी मुस्कुरा रही हूँ कि जो आज मेरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक मेरी ही फील्ड से है। कभी वो किसी एक इदारे में काम करते थे और उस इदारे में वो क्या करते थे, और उस इदारे ने उनको खुदाफिज़ जो किया तो उसके बाद अल्लाह जिनका हाफिज़ था तो अल्लाह ने अपने बंदे का कैसे ख्याल रखा। आपकी मुलाकात कराते हैं इमरान साहब से। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह आने का, वक्त निकालने का, और हम पे भरोसा करने का हमारी टीम पर कि आपने जिस काबिल हमें समझा कि आप अपनी कहानी हमसे शेयर। देखिए माया, शुक्रगुजार तो मैं हूँ आपका कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म से कुछ बोलने का, कोई आवाज़ मेरी बनी कि मैं कुछ बोल सकूँ, कुछ सुना सकूँ। आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग मीडिया से निकाले वाले लोग किस तरह सरवाइव कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। एक दिन के नोटिस पे कह दिया कि आप जाइए, 7 महीने की सैलरी वहाँ पे इस वक्त ड्यू है जो मुझे चाहिए। मैं उनसे सिर्फ ये बात कहता हूँ कि यार आप जॉब नहीं है, वो भी फिल वक्त हम जैसे जैसे अपना कर चला रहे हैं, आप एटलीस्ट हमें वो 7 महीने के पैसे दे दो यार। 2 महीने बाद रबी अव्वल में मेरी बेटी की रुख्सती है। अभी जी भूखा रहना कोई मसला नहीं, अल्लाह ने वादा किया कि नहीं किसी दे देता, लेकिन यहाँ बात है सारी इज्जत की। बेटी का ससुराल है, निकाह हो चुका है 1 साल पहले, बैठे हैं, डबल मास्टर्स की है मोम, लेकिन मीडिया से बाहर जॉब ढूंढने जाओ तो प्रोफाइल चेक करते हैं, कहते हैं आपकी तो पूरी ज़िंदगी मीडिया में गुजरी, 22 साल आपने मीडिया में गुजार दिए,
तो आप तो किसी काम के नहीं हैं, आप तो मीडिया में जाए ना, वो है फील्ड आपकी। यार मौका तो दें आप, एटलीस्ट एक एक मौका तो दें। क्या ज़रूरी है कि मीडिया में काम करने वाले को कहीं और जॉब नहीं मिल सकती है, वो कहीं और काम नहीं कर सकता है, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है? ये हम मीडिया वाले खुदा न खास्ता बिल्कुल बेकार लोग हैं। बिल्कुल हो सकता। मैंने हमेशा दूसरों की, मैं रहा हूँ प्रोड्यूसर रहा हूँ, कॉपी एडिटर रहा हूँ, अपनी फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट हूँ मेरे मुताबिक, बाकी दूसरों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं दूसरों की हिस्ट्रियाँ लिखा करता था, उनको देखा करता था कि वो टीवी पे ऑन एयर हो रहे हैं, अपने मसाइल और मुसीबत बता रही हैं, वो मैं लिखा करता था, उनकी उर्दू ठीक किया करता था। आज मेरी खुद की उर्दू ख़राब हो गई है, आज मैं रन डाउन प्रोड्यूसर कौन होता है? मेरे सामने जो आज मेहमान बैठे हुए हैं ना, रन डाउन प्रोड्यूसर मैं कहती हूँ हमेशा कि जो टीम होती है ना वो बैकबोन होती है। जो कंट्रोल रूम में सब मेरी टीम बैठी है ना, अगर वो मजबूत ना हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। जो भी एंकर हो, जो भी प्रेजेंटर्स हो, उनको लेकर चलने वाली जो टीम होती है वो कंट्रोल रूम में होती है, और उसमें रन डाउन प्रोड्यूसर का एक बहुत अहम किरदार होता है। यही एक किरदार आज, जैसे उन्होंने कहा ना कि पहले मैं लोगों की कहानियाँ लिखता था, दुरुस्त करता था, करेक्ट करता था, आज मैं अपनी कहानी लेकर बैठा हूँ। आसान नहीं होता, यकीन मानिए कि पूरी दुनिया के सामने आकर अपना ज़ख्म खोल कर रख देना। इमरान भाई, क्या हुआ अचानक से खुदाफिस एक दिन के नोटिस पे कह दिया, फिर आपने बात की, क्या हुआ? मैं 12 बजे हमने बुलेटिन ऑन एयर किया, ठीक है, आपने देखें HR बंद हो जाता है 5 बजे तक, 6 बजे तक, ठीक है ना? वो उनको लेटर मेरे HOD के पास था, रखा हुआ था, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे थे कि वो आखिर दम तक निचोड़ लें, बिल्कुल पूरा पूरा काम ले लें। जब ख़त्म अच्छा हो गया, सब हम तैयार हो गए, अपना बैग उठा लिया, फ्रेश हो गए, अपना बैग उठा के जब नीचे उतरने लगे तो HOD ने बोला कमरे में आ जाओ, इंटरकम किया, हम पहुँच गए, जी सर कल से मत आइएगा, आप 50+ हैं। कल से मत आइएगा, 50+ हैं सैलरी में? अच्छा, सैलरी में 50+ हैं, तो इदारा इतने महंगा कॉपी एडिटर या रन डाउन प्रोड्यूसर अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने बोला कुछ कि भाई कम कर दो? उस वक्त तो शॉक में बिल्कुल शॉक था मैं, मुझे तो ये फिक्र हो गई कि मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ, 7 महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली है, अपनी जेब से लगा लगा के मैं आता रहा हूँ, एक डबल मास्टर हूँ, मेरी बीवी एक मैट्रिक पास लड़की औरत है, मैट्रिक हुआ है और हमारी शादी हुई है, बहुत कम उम्र में हुई है, मैं FSC कर रहा था उस वक्त, वो इस वक्त किस तरह से घर चला रही होगी आपको अंदाजा है? आज 2 महीने बाद, अल्लाह की कसम, आज 2 महीने बाद मेरी बीवी सिर्फ 1.5 भाव गोश्त लेकर आई है, हम 10 अफराद हैं घर के, हर बंदा एक दूसरे से बूटी छोड़ रहा है कि ये खा ले, ये बाप चाह रहा है कि बेटी खा ले, बेटी जा रही है माँ खा ले, सालन खा लिया हमने, गोश्त छोड़ दिया, गए इतनी बरकत हो गई यार। चार साल का बच्चा है मेरा, अभी ऑफिस आते हुए यहाँ आते वक्त मुझसे कहा, कह रहा कि पापा मेरे एक दूध लेते आइएगा, 20 रुपए का दूध है, मैं घर से यहाँ पैदल आया हूँ इंटरव्यू के लिए, मैं उसका दूध कैसे लेके जाऊँ? एक टेलीफोन डायरेक्टरी बन के रह गई हूँ, किसी दोस्त को, साफी को, किसी को मीडिया से रिलेट को, किसी को, किसी का नंबर चाहिए, किसी समाजी, किसी सियासी, किसी शोबीस के लोगों का नंबर चाहिए, तो उस वक्त इमरान जाफरी याद आ जाता है, या नंबर चाहिए फ़ौरन नंबर दे दो, खुश हो जाते, तो मैं तो टेलीफोन डायरेक्टरी बन के रह गया हूँ, मीडिया की टेलीफोन डायरेक्टरी, जो चाहे जितने में मुझे। एक बंदे ने बोला यार आप ऑन एयर नहीं होते हैं, मैंने बोला यार व्हाट्सएप मेरे पास पैकेज के लिए पैसे नहीं होते, वो हर हफ्ते मुझे 200 रुपये का पैकेज भेज देते हैं, 2 कार्ड भेज देते हैं, वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, वो सिर्फ इस लालच में कि मैं इन रहूँ व्हाट्सएप के ऊपर, मीडिया से रिलेट रहूँ, कि वो खबरें जो मैं दे रहा हूँ मार्केट से, वो शायद एक चैनल वाला देर में पहुँचता होगा, लेकिन मेरी चूँकि खून में, मैंने आँख खोली तो समझे मीडिया इंडस्ट्री में आँख खोली, प्रिंट मीडिया से मेरा ताल्लुक रहा, उसके बाद 2004 में मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजार दी, पूरी ज़िंदगी, और सिर्फ गुजारी नहीं, FSC किया है, और मैंने आया हूँ, और उसके बाद मैंने BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स में किया, MA मास कम्युनिकेशन किया, MA IR किया, और आज मैं बैठा हूँ, लोगों से भीख मांग रहा हूँ,
रोजगार दे दो। कितने बच्चे हैं आपके इमरान? मेरे माशाल्लाह 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं। सबसे जिसकी शादी होने वाली है वो कौन से नंबर? माशाल्लाह 22 साल की हो गई है अभी, पहले नंबर की वो। और आजकल उसके बाद 2 बेटे हैं, एक अभी एक जगह वेल्डिंग का काम कर रहा है, एक लेबर, वेल्डिंग का काम कर जी, और एक लेबर है। जिन बच्चों को मैंने हाथों पाला है उनकी एक अल्फाज ख्वाहिश को मैंने पूरा किया, उनके कहने पे आज वो मुझे रोटी खिला रहे। शर्म आती है, चाहते तो किसी बेटे से बहुत सकता था यार, किराया दे दो यहाँ आने के लिए। शर्म आती है किस मुंह से बोलूं, बेल्ट बेल्ट उसको फोन करके बुलवाया कि बेल्ट दे दो मुझे, मेरे पास ऑफिस जाने के लिए बेल्ट नहीं है, बेल्ट खत्म हो गई है। आप आजकल क्या कर रहे हैं? इस वक्त वो ये एक चिंची का अड्डा है, वो भी अभी ये लॉकडाउन की वजह से और हालात बुरे हो गए जी, तो अब 200 रुपये वो रोज़ दे रहे हैं और 20 रुपये हर गाड़ी को आवाज़ लगा के भरो। अच्छा, तो उससे तक 400-500 से आ जाते हैं। अच्छा, बस अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। उम्मीद नहीं आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई सिंपैथी लेने नहीं आया हूँ किसी की कि कोई मुझसे तसल्ली करे और मुझे आज कॉल आ जाए किसी चैनल से, नहीं। आप मुझे मेरिट पे उठाओ, मेरा जो काम है जिसका मैं अहल था आप मुझे उस पर उठाओ। इज्जत की मैं एक चैनल में अपॉइंट होता हूँ, HR में मेरे डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं, मेरी सैलरी पैकेज मेरी डिसाइड हो जाती है, उससे 20,000 रुपये कम पे बनता कंट्रोलर न्यूज़ ला के बिठा देता है। क्यों भाई, अगर वो अहलियत में मुझसे ज़्यादा था तो डेफिनेटली उसका हक बनता है, मेरा भाई ही मीडिया का। लेकिन जो अहलियत पे नहीं उतरता, आपने 20,000 रुपये कम रुपये उसको ले लिया सिर्फ इसलिए कि वो आपकी टीम का बंदा था, अहलियत कहाँ गई? फेवरेटिज्म, कहाँ का इंसाफ है? हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, कभी ऐसा नहीं किया। मेरी बेटी न्यूज़ एंकर बनना चाहती थी, मैं एक वेब चैनल में उसकी मेरे इंटर्नशिप कराई, बहुत अच्छा बोल निकली, चल निकली। अच्छा, लेकिन नहीं, मैंने तो कभी किसी को नहीं बोला डायरेक्टर न्यूज़ को या न्यूज़ कंट्रोल को। मेरे भी 10 लोग हैं सलाम दुआ वाले हैं, आप जैसे मेहरबान मेरे भी दोस्त। तो शो के बजट के हिसाब से शायद उन्होंने बंदा 20,000 रुपये कम, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि वही आपकी वाली बात, पसंदीदगी। तो काम की पसंदीदगी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, शख्सियत पसंद ही चल रही है मैम, काम कहाँ चल रहा है, काम कहाँ चल रहा है। मुझसे घर पे मैं मेरी बीवी कह रही है कि अगर आपको बाल बाल कटवा के ज़रा शेव वेव बना के ज़रा अच्छी तरीके से जाना था, टाई कोट पैंट पहन के चले आते तो आप ज़रा अच्छे लगते, जैसा आप रहते थे, जो आपका स्टाइल था, आप किस हुलिये में जा रहे हैं? छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहेगा बानो गुस्सिया जी। अभी है टाइम? अच्छा, मैं एक जगह पढ़ रही थी और आपकी बच्ची की शादी का सुनकर दिल एकदम से आंसू आ गए आँखों में, कि उन्होंने कहा कभी किसी के घर की शादी के खाने की बुराई मत करना, क्योंकि उसकी एक खाने के पीछे किसी बाप की ज़िंदगी भर की कमाई होती है। मुझे नहीं पता कि आगे आने वाला वक्त आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, लेकिन वही लोग जो आपके साथ काम करते थे, क्या उनमें से भी किसी ने साथ नहीं निभाया? माया बहुत जगह कोशिश की अपने दोस्तों से, लेकिन बात वो है ना कि एक मैं अगर एक कॉपी एडिटर हूँ तो मैं एक कॉपी एडिटर को कैसे रखवा सकता हूँ उसी इदारे के अंदर? वो इसलिए कि मेरी तो वो पहुँच ही नहीं है ना, मेरी पहुँच तो मेरे जैसे लोगों के साथ है ना, मैं किसी कोई कंपनी का मालिक तो इनके साथ तो नहीं मेरी बैठक है। मेरी फील्ड के लोग कौन हैं? मेरा कैमरा मैन मेरी फील्ड है, वो मेरे दोस्त हैं, रिपोर्टर मेरे दोस्त हैं, मेरी फील्ड के लोग हैं ना। एक ही फील्ड में रहने के, जिस तरह आपने कहा, इन्होंने कहा इमरान भाई ने कि हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, इनके एक ऐसे साथी जिनको ये नहीं जानते होंगे डायरेक्टली, लेकिन वो भी इसी फील्ड से हैं, और मेरे ख्याल कैमरामैन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हैदर अली साहब हमारे साथ मौजूद। हैदर भाई, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? शायद उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन हैदर अली साहब इंशाल्लाह दोबारा कनेक्ट करेंगे इनसे।
उनमें से आज जो वक्त गुजारा, बहुत अच्छा वक्त गुजारा। जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता तो बुरा भी हमेशा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन सबसे बड़ा जो एक दिन होता है, एक मौका होता है, इंसान को झटका लगता है, वो उन दिनों में यादों में वो कौन सा टाइम होता है जो आपको सबसे ज़्यादा याद आता है कि अल्लाह वो वक्त मैंने देखा था? बहुत सारे बुजरा जो अब सीटों पर हैं और अच्छी जगहों पर हैं। अभी एक वज़ीर कुछ अरसे कबल अलकरम पे उनका कुछ मीटिंग थी, वो आए थे तो वजारत भी मिली हुई है, तो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि जाफ़ी साहब मुलाकात करनी है आपसे। बड़ा खुश हुआ मैं, मैंने कहा अच्छा है उनको अभी तक मैं याद हूँ। तो मैं पहुँच गया, मैंने वहाँ से उनको कॉल की कि मैं सर पहुँच गया हूँ, बाहर हूँ लेकिन सिक्योरिटी की वजह से। तो वो बाकायदा खुद आए, मुलाकात की थी। अच्छा मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हो गई, उन्होंने फोटो सेशन हो गया, चले गए। अच्छा वो ये सोच के आ रहे हैं तो मैं तो किसी मीडिया पर्सन से मिल रहा हूँ, उनको तो नहीं पता कि अब जाफरी साहब वो बंदे ही नहीं रहे। ओहो। उनको बाद में मैंने अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप किया और उनसे कहा कि बॉस मेरी कोई जॉब देखिएगा, मीडिया फील्ड में ना सही तो कहीं और भी जहाँ पर मैं ज़िंदगी की गाड़ी खींच सकूँ। तो कहेंगे अभी आजकल जाफरी साहब कौन से चैनल से हैं, चैनल में हैं? बोला कि सर अभी तो कहीं भी नहीं हूँ, हालात देख रहे हैं आप, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, वो जो हमारे सैलरी रुकी हुई हैं, जो ड्यूज़ हमारे रुके हैं वही नहीं मिले, पेंडिंग में। अच्छा अरे हाँ मेरी यार एक मीटिंग है, मैं फिर इंशाल्लाह आपसे बात करूँ। उसके बाद से आज तक तकरीबन 2 महीने हो गए ना, वो मेरा व्हाट्सएप अगर मैसेज करता हूँ तो उसको रीड करना भी शायद उनको पसंद नहीं है। ये मुश्किल वक्त है, अल्लाह ने चाहा तो ये भी निकल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी बच्चे की शादी कब है आपने बताया? रबी अव्वल में इंशाल्लाह। रबी अव्वल में ही इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक बाप के लिए बहुत ही मुश्किल, खुशी का भी, तकलीफ भी, प्रेशर भी, इमोशनल भी। क्या हमारे साथ अली साहब हैं मौजूद कॉल पर? क्या हम उनको ले सकते हैं? अच्छा छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा, अभी वापस आते हैं हमारे साथ। मैंने कहा ना आज एक नहीं कई कहानियाँ हैं। रोटी रोजी रब ताला ने वादा किया है, रिस्क का रब ताला ने वादा किया है, लेकिन कुछ जहाँ पर इंसान कहते हैं ना हर शख्स अपने वक्त का फिरौन होता है, हम कहीं कहीं ज्यादतियाँ कर जाते हैं सिर्फ इसलिए ये सोचकर कि हमारे पास एक कुर्सी। और ये सिर्फ मीडिया में ऐसा नहीं है, हर फील्ड में ऐसा होता है, हर फील्ड में। सफर के बाद हमारे साथ रहेगा, प्लीज बी राइट बैक। माया कहानी में एक बार फिर बहुत खुशामदीद आपको। वक्फे में जाने से पहले आपकी बात करवा रहे थे हम इमरान भाई से। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो एक लाइन प्रोड्यूसर रह चुके हैं, एक तवील अरसा काम किया है मीडिया में, साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया और मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखना उनका मेरा ताल्लुक था। अब कितना ताल्लुक है, कितना ताल्लुक रखना चाहते हैं ये तो उन्हीं के ऊपर, आपकी मुलाकात करवाते हैं। ऐसा हमारे साथ मौजूद हैं कॉल पर सुशील भी मौजूद हैं और हैदर अली साहब मौजूद हैं। सैयद हैदर अली साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी आवाज़ को उजागर किया और आपने हमें बुलाया, और अल्लाह पाक आपको इसकी जगह दे। और सबसे पहले बस यही बात कहूँगा मैं आपसे कि हम हर मरहले में सबसे आगे होते हैं। और मैं आपको क्या बताऊँ कि चाहे वो इलेक्शन कैंपेन हो या वो कोई रैली हो या कोई बम ब्लास्ट हो या किसी भी किस्म का कोई भी काम हो, लेकिन सबसे आगे हम ही हैं। सही बात। और हम उस मुकाम पे हैं कि बस अल्लाह पाक हमारी हाल पे करम करे, रहम करे। और हमें एक चीज का सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि मतलब हमने इतनी मेहनत की, इतना टाइम दिया और सब कुछ किया हमने इसके लिए, लेकिन हमें इसका कोई सिला ही नहीं मिला अभी तक। मतलब मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। और मतलब मैं आपको बताऊं कि मतलब किस तरीके से हम अपनी लाइफ के अंदर सरवाइव कर रहे होते हैं तो हमारा अल्लाह जाने। लेकिन ये है कि हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं कि अभी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी। मैं आपको छोटी सी एक बात बताकर चलूँ, इलेक्शन कैंपेन तो इमरान खान साहब का विजिट था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जी, वहाँ पर तो वहाँ पर स्टेज जो है वो मेरे ऊपर गिर गया था, तो उसकी वजह से मैं मेरी तस्वीर में बैठ आ गया था और उसकी वजह से मैं
एड्रेस हो गया था, मतलब बहुत सारी चीजें दी हैं मैं, कौन कौन सी चीजें दी हूँ, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इतनी छोटी सी चीज दी भाई, इसीलिए कि मतलब मेहनत की और बहुत कुछ सोचा कि अल्लाह पाक को आसानी कर दे, अल्लाह पाक इसी टीम में हम लगे हुए काम करते रहे। सही, लेकिन बस एक ही इशू मैम जो बहुत ज्यादा ही फेमस हो गया हमारी फील्ड के अंदर, सैलरी इशू। बस सैलरी सुशील भी हमारे साथ मौजूद है जी, हैदरअली भाई आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी। सुशील भी हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदी सुशील हमारे शो में आने के लिए। माया कैसी हैं आप? शुक्र है मालिक का, बहुत शुक्र है। आपकी फील्ड रिपोर्टिंग रही है और आपने माशाल्लाह बड़ा काम किया है फील्ड में, और ये बड़ा रिस्क का काम होता है अपनी लाइफ भी रिस्क पर लेकर चलना, और बहुत ही जाहिर है हम सब न्यूज़ के हैं और हम लोगों ने बड़ा मेहनत कर करके हम आगे पहुंचने की कोशिश करते हैं। सुशील क्या हुआ, अब क्या लाइफ है, क्या लाइफ ने टर्न लिया, प्लीज़ अपनी कहानी कहाँ से आगाज़ करना चाहेंगे? बस माया क्या सुनाऊं मैं आपको साफियों की दुख भरी दास्तान। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मीडिया के डिपार्टमेंट्स और मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट्स बंद हो जाने चाहिए। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, मैं तमाम स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि अगर वो मीडिया में अभी जाने का सोच रहे हैं या फर्स्ट ईयर में हैं तो छोड़ दें, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है। आगे सिर्फ साफियों को जलील किया जाता है, तंग किया जाता है, उनको मतलब कोई काम नहीं है उनके लिए। तो मैं, आपकी शादी हो चुकी है सुशील? नहीं शादी नहीं, शादी नहीं हुई है। जिम्मेदारियां हैं घर वालों की? बिल्कुल। कितने लोगों की आप कफालत कर रहे थे जब आप जॉब पर थे? मैं चार लोगों की अलग कर रहा था, मेरे घर में चार लोग हैं, फैमिली जो मेरे माँ बाप और भाई बहन। अच्छा जी, कितने दिन हो गए जॉब को गए हुए? जॉब को गए हुए मेरे 6 महीने हो गए, और उससे पहले भी सैलरीज का इशू तो बहुत दिनों से चल रहा था, मतलब 6-8 महीने की सैलरी हमारी नहीं थी, फिर उसके बाद जॉब नहीं है। सही सही, तो आपने 6 महीने से क्या कर रहे हैं, हाउ आर यू सर्वाइविंग? सर्वाइवल मैं चले आपके यहाँ से प्लेटफॉर्म से बता देता हूँ, वैसे से मैंने किसी को बताया नहीं था। ये मैंने एक शॉप खोला था, मैं शॉपकीपर हो गया था, सर्वाइवल कुछ तो करना है, तो मैंने एक दुकान खोला था। बहुत अच्छी बात है। जी जी बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी सुशील? बस एक था कि रिपोर्टर हूँ और इतना एक नाम बन गया था, अब अगर शॉप पे बैठा हूँ तो लोग समझेंगे कि ये नाहिल है, पर लोग ये नहीं सोचेंगे ये सिस्टम नाहिल है, ये सिस्टम नाहिल है। लोगों का तो काम है कहना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग सुशील? एग्जैक्टली ऐसा ही है। लोगों की वजह से अपने आप को कभी कमजोर ना करिएगा, ये मेरे सिर्फ आपके जरिए वसीले से मैं सबको कह रही हूँ, क्योंकि मैं अभी वक्फे में भी स्टार्ट करने से पहले भी मेरी इमरान भाई से भी यही बात हो रही थी कि जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता ना तो बुरा भी हमेशा नहीं रहेगा। ये वक्त बहुत मुश्किल है मैं जानती हूँ, सैयद हैदर अली, इमरान भाई, सिर्फ ये सुशील, ये तीन लोग नहीं हैं, किसी वक्त में मैं भी ऐसे हालात का सामना कर रही थी, और जब हमारे साथ फैमिलीज जुड़ी हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम अपने लिए क्या करें, अपनों के लिए क्या करें जिनके लिए हम खिदमत कर रहे थे। आसान नहीं, आप ये तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, ये तमाम तस्वीर उन लोगों की हैं जो फील्ड्स पे जा जा कर मेहनत करते हैं, माइक उठा उठा कर तमाम जो रिपोर्टिंग होती है, तमाम जो कंटेंट होता है वो उन लोगों का होता है जो एक आंख जो कैमरे की होती है, एक माइक जो आवाज़ की होती है वो आप तक होता है। ये सिर्फ ये नहीं, बैंकिंग में, टीचिंग में टीचर्स परेशान, नौकरियां नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी जो ट्रेजेडीज़ होती हैं, जो हमारी फैमिली जुड़ी होती हैं। इमरान भाई बहुत देर से सुन रहे हैं, इमरान भाई अपने जैसे अपनी ही फैमिली के लोग अब भी मुस्कुरा रहे थे जब सुशील कह रहे थे, तो किस बात पे हंसी आ गई थी?
मुझे इस बात पे हंसी आई कि एक 6 महीने से वो बेरोज़गार हैं और 7-8 महीने की उनकी सैलरी ऑलरेडी ड्यू है, तो 7-8 महीने को आप सिर्फ ये नहीं कहें कि 7-8 महीने की सैलरी, वो एक साल कर सकते, आप उसको एक साल की भी नहीं डबल कर दें, क्योंकि आपने वो जो पिछले 8 महीने जो गुजारे हैं वो अपनी जेब से गुजारे हैं, वो खर्चा भी आपने घर को चलाया है और ऑफिस भी आए हैं उसी खर्चे से, तो वो 8 महीने का क्या जवाब, कौन जवाब देगा, कौन जवाब देगा? जो टकराते हैं ना माया, तारीख सिर्फ उनकी लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, लेकिन हम किससे टकराएं? अपने सिस्टम से। सिस्टम कौन है, मैं और आप हैं? मैं खुद से लड़ जाऊं या आपसे लड़ जाऊं? मुझे सिस्टम की जो करते धरते हैं ना, उनसे मेरा बस ये सवाल है, सिर्फ यही सवाल कि अब हम क्या करें, बता दें। हम पे तो छाप है कि हम मीडिया के लोग हैं, हमारी जानों को अलग खतरा, थ्रेट्स अलग बर्दाश्त करो जब आप मीडिया की फील्ड में हो, और आज वो तो अपनी जगह पे थ्रेट्स, तो हर किसी को तो नहीं पता ना कि हम मीडिया से आउट हैं, वो हमें हमें नहीं जानता। आज आप क्या समझ रही हैं कि मैं ऑन एयर, कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे बैठूंगा किसी प्रोग्राम में, आज मैं बैठ रहा हूँ, तो मेरी कैफियत का कोई अंदाज़ा है उसका वो तकलीफ़ का वो मुझे बताएंगे वो लोग जो इस सिस्टम को बनाने वाले थे? सिर्फ थोड़ी देर के लिए ना, एक लम्हे के लिए बैठ जाएं मेरी जगह पे और सोचेंगे 2 महीने बाद आपकी बेटी की रुखसती है और आपकी जेब में अठन्नी नहीं है, आपके पास चलने का किराया नहीं है, पैसा नहीं है आपकी जेब में, बैठे हैं अल्लाह की आस पे, तो पूरी दुनिया पूरी कायनात अल्लाह की आस पे, उसी का तो आसरा है, तो आप लोग क्यों हो यार? हर चीज़ एक सिस्टमेटिक तरीका है ना, अल्लाह ने पैगाम पहुँचाना था इंसानों तक, तो नबियों के थ्रू उन्होंने हम तक पैगाम पहुँचाया, अल्लाह खुद दिल में भी डाल सकता था, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है, कुदरत रखता है, तो वो क्या इतना पाक परवरदिगार वो नहीं काम कर सकता था? उसने एक चेन बना दी 1,24,000 पैगंबरों की चेन, और फिर उसके ऊपर भी चेन फरिश्तों की, जो पैगाम फरिश्ते लेके आ रहे हैं, देखें आप मेरे रब का कारनामा, उसने ये समझा दिया हम लोगों को कि अकेली माया कुछ नहीं, अकेला जाफरी कुछ नहीं, हमारी टीम हमें लेके चलती है, बेशक ऐसा टीम हमारे पास नहीं है हमारी, तो हम बजाते खुद हम शख्सियत, अकेली शख्सियत कभी भी कामयाब नहीं होती है, बिल्कुल ऐसा ही, किसी भी फील्ड में बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल पर हैं, हाँ जी सुशील, जब आप देखते हो कि आपको 6 महीने हुए हैं और आपसे ज़्यादा आप ही की फील्ड में हो या आपके अलावा दूसरी फील्ड में और लोग देखते हैं, क्योंकि आप रिपोर्टर हैं, आपने जगह जगह जाके बहुत सारे इवेंट्स भी कवर किए हैं, ओकेजन्स भी कवर किए हैं, तो जब आप दूसरी फील्ड के लोगों को देखते हैं तो आपका क्या, आप उनको तसल्ली देते हैं या वो आपको तसल्ली दे रहे होते हैं, क्या होता क्या है? क्योंकि मैं जानना चाहूँगी कि दरअसल दूसरी फील्ड में भी जिन लोगों को खड़े खड़े खुदाफिज़ कर दिया जाता है, क्या होता क्या है उसके बाद? देखिए सबसे पहले मसला ये है, मीडिया का मसला ये है कि एक मास कम्युनिकेशन और मीडिया का स्टूडेंट वो कहीं और काम नहीं कर सकता, ना किसी बैंक में, ना इंजीनियरिंग फील्ड में, ना डॉक्टरी की MBBS की, और वो तमाम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, क्या आपको लगता है सैयद हैदर अली कि एक मीडिया का बंदा कहीं और काम नहीं कर सकता है, किसी और फील्ड में काम नहीं कर सकता? डू यू ऑल्सो अग्री? मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मुझसे बीत चुकी है तो मैं आपको क्लियर करूँगी बात, कि सच बात है कि मीडिया का बंदा जो है ना वो कभी भी जॉब नहीं कर सकता। मैं रिसेंटली अभी एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था, तो मुझे वहाँ के संस्थान ने मुझे बोला कि यार आपका कैंडेबल नहीं, हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने बोला सर मेरे साथ जो प्रॉब्लम है, मैं जिस तरीके से सर्वाइव कर रहा हूँ अपनी लाइफ को, आप बहुत कम आवाज आ रही है आपकी, हैदर भाई बहुत कम आवाज आ रही है। जी जी अब थोड़ी बेहतर हुई। जी तो मैं ये कह रहा था कि मैं खुद एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया था, ये उन्होंने मुझे बोला, मेरा इंटरव्यू हुआ उनसे, तो उन्होंने बोला कि हाँ सही है, हम आपको, लेकिन हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। यही चीज मेरे गालिबन इमरान साहब के साथ भी हुआ था, ये जवाब था आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, ये क्या मतलब? अगर नौकरी है तो आप ऑफर करिए ना, आप शेयर करिए ना भाई, आप क्या पे कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते तो आप दे क्या सकते हैं, ये क्यों नहीं बोला जाता? तो वो मुझे बोलना है कि मैंने बोला चले आप मुझे बताएं कि आप मुझे क्या सैलरी दे सकते हैं, मैं हो सकता है शायद अग्री हो जाऊं आपकी बात। हाँ, आपने बोला तो, ये बात मैंने उनको बोला, मैंने कहा शायद मैं अग्री हो जाऊं
कमाल हो गया। अगर आपके पास जॉब है, आप को अल्लाह पाक ने वो जगह दी है कि आप किसी को रोटी रोजी देने के आपको वसीला बनाया है, आप ऑफ़र तो करिए, आप ऑफ़र तो कीजिए। देखिए मीडिया के क्या, पूरी दुनिया के फाइनेंशियल क्राइसिस हालात हैं इस वक्त, पूरी दुनिया इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजर रही है। मैं भी आपके सामने बैठी हूँ, काम कर रही हूँ, मैनेजमेंट ने मुझसे भी एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी शेयर की। हालात तो इदारे की भी वो नहीं है, जो पूरी दुनिया के इदारे, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई। मुझे ज़रा वक्त बताइएगा कि कितना टाइम रह गया, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस हिसाब से आगे लेकर चल सकूँ। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम लास्ट टू मिनट्स है। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं सैयद हैदर अली, सुशील और इमरान भाई के आने का बेहद दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, ना सिर्फ आपका बल्कि उन तमाम उन लोगों का जिन लोगों ने आज के इस शो को और तमाम लोगों को लाइनअप करने में हमारा साथ दिया। मैं समझती हूँ कि अगर हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं हो सकते, ये भी न्यूज़ वन का एक छोटा सा हिस्सा है, मैं कहती हूँ एक बूंद है, जहाँ हम एक दूसरे के लिए इस तरह खड़े हो रहे हैं, जहाँ पे हम जी जहाँ पर हम अच्छा जहाँ हम एक दूसरे के लिए खड़े हो सकते हैं, जहाँ हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जहाँ आपको अपनी बात करने का मौका दिया जाए आज के वक्त में, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा किरदार है जो एक इदारा अदा करे। क्योंकि लोग तो छुपा देते हैं, लेकिन थैंक यू सो मच न्यूज़ वन मैनेजमेंट कि जिन्होंने मुझे इतना मार्जिन दिया कि मैं लोगों की कहानियाँ, लोगों का दर्द इस तरह करके आपके उस मूवमेंट और उस आइडिया को आगे लेके जा सकती हूँ। बचपन में जब माँ बाप, मैंने शुरुआत की थी प्रोग्राम की, बचपन में जब माँ बाप कहते थे कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छे क्लास में लेकर अच्छी पोजीशन हासिल करो, फिर स्कूल ख़त्म होता है कि अच्छे नंबर लाओ और फिर अच्छे कॉलेज में जाओ, फिर अच्छे नंबर लाओ अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद, फिर अच्छे नंबर पोजिशन ला कर अच्छी नौकरी हासिल करो। होता क्या है, हम गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम करते करते ये भूल जाते हैं कि हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है लाइफ में, क्योंकि हमारे माँ बाप ने भी कभी किसी प्लान बी पे काम नहीं किया, तो हमने भी नहीं किया। हमें कभी नहीं बताया गया कि तुम अपना भी कोई और काम करना नौकरी के अलावा, हमें यही कहा गया कि नौकरी ही करना। अब हम नौकरी ही ढूंढते हैं क्योंकि हम शायद दिमागी तौर पे ऐसे हो चुके हैं, हमें कुछ ना कुछ अपना करने की ज़रूरत है। नौकरी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर चला जाए वो आने वाला रिस्क जो आ रहा है, तो उसके बाद ये फैसला मैं आवाम पे छोड़ती हूँ, ये फैसला मैं उन तमाम लोगों पे छोड़ती हूँ जिनको अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है कि वो किसी को रोटी रिस्क का मौका दे सकते हैं। सोचिएगा ऑफ़र देते हुए कि ये कैलिबर को छोड़ दें, स्टेटस को छोड़ दें, आप ऑफ़र दीजिए किसी की रोटी रोजी, शायद उसे घर में जाएगी तो आपको सवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।